जी, मेरा नाम यासीन मलिक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एएनपी जिला कश्मीर हूँ। कराची आने का मकसद पार्टी वर्करों का थोड़ा सा काम शाम था, उस हवाले से आया हूँ। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, अनफॉर्चुनेट इस तरह का हुआ कि मुझे काम का ऊपर प्रेशर था लोगों का, कि फिर जब मैंने यहाँ आके किसी से रब्ता किया तो कोई बेगम नसीम अली की फौजगी पे वो उधर रुके हुए थे, अभी तक वो वापस कराची नहीं आए। हम 2013 के इलेक्शन में एज ए एमपी की सीट के लिए मैंने फाइट की थी, अपना फॉर्म वगैरह जमा करवाया था तहसील कंदकोट के लिए, और तहसील कश्मीर के लिए भी अवामी नेशनल पार्टी का एक जिम्मेदार लाए थे, और तहसील तंगवानी के लिए भी हम ले आए थे। लेकिन अकाबरीन का जो फैसला था उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें बैठ गए थे। हम पुरअमन लोग हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो काम वर्करों का होता है उधर का होता है तो उधर बैठ के उधर सर्व कर लेते हैं। अकाबरीन का जो फैसला है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो अंदरूनी सिंध के हवाले से जो बातचीत होती है, सरदारी सिस्टम है, ज़रूर थोड़ा सा हल्का फुल्का आना जाना पड़ेगा, बातें चीतें होती रहती हैं। मख्तियार भाई के पास आए, ये हमारा पुराना दोस्त है, इनके साथ अच्छा खासा लगाव है। बानी खान भाई ये साईं है, इनके साथ दुआ सलाम है। पुरानी जब भी हम आते थे तो पहली मुलाकात मेरी मुख्तियार साहब के जो साथ हुई थी वो कौन सी चौरंगी, यहाँ पे इमल वली साहब आए थे, बिलावल चौरंगी पे जो खिताब था इमल खान का, उस पर हमारी मुलाकात हुई थी। असिस्टेंट टीवी डायरेक्टर टीवी ए वन का जो बना है, इस पर हमें खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मुबारक पेश करते हैं, अल्लाह उसको तरक्की दे।